जी का स्वागत होता है। भाई प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच में है जोरदार तालियों से और संगीत से। भाई प्रदीप शर्मा जी, मेरी विनती है कि शर्मा जी को छोड़ के बाकी के लोग, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है। प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच में है जोरदार तालियों से इनका स्वागत करती है। बच्ची भाई कई सारे शंकर दयाल सिंह जी, ये वो लोग हैं जो वाकई में ईमानदारी की एक मिसाल है और शायद इसीलिए आज हमारे बीच में है। मैं आमंत्रित करूंगा एक नन्ही सी बच्ची को, पलक को, जो हमारे बीच आएगी और अपने सुर की गंगा से आप लोगों को। साथियों, हमारे बीच इस मुंबई शहर के मजदूर नेता, फेरी वालों की लड़ाई लड़ने वाले, चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो दयाशंकर सिंह जी का। और आप लोगों से विनती करूंगा कि एक साथ हमारे सारे मेहमानों की मेहमान नवाजी में आपका ये वाद बजना चाहिए। आज इस्लामाबाद तक इसकी आवाज हो।
जिस रोग ने लोग आपके दर्शनों को गंदी भुट्टे की चोर काम कर दिया, आज गंदी भुट्टे की Thank you.
के सबसे उच्च पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूं। सबको बहुत बहुत नमस्कार और शहीद दिवस पर नहीं है या उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है और बड़ी अफसोस की बात है कि शहादत दिवस जब हम बड़े होते थे तो भगत सिंह के जन्मदिन, भगत सिंह की शहादत दिवस, इन सब के बारे में हमारे किताबों में लिखा गया होता था, उसके लिए किसी सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया के ज़रिए पता ना चले तो पता ही नहीं चलता कि वो कौन से नौजवान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी ताकि हम लोग ये दिन देख पाएं। और ये सौभाग्य होगा हिंदुस्तान का और हमारे समाज का और हमारे भविष्य के में आने वाले बच्चों का या बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनके भविष्य के लिए अगर हम लगातार उनकी शहादत को याद करते रहें ताकि उनको पता चले कि ये देश जो आज है वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां गई हैं, लाखों लोगों का खून बहा है। साथ ही साथ इस दिन में शीश झुकाकर प्रदीप शर्मा जी जैसे बहादुर जाबाज पुलिस ऑफिसर्स को सलाम करता हूं। लोगों ने हिंदुस्तान के पुलिस फोर्स को, मुंबई के पुलिस फोर्स को दिए हैं तो इनके लिए जोरदार तालियां और जनशक्ति फाउंडेशन के लिए जोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं शूटिंग वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, यहां पर आना मेरा बहुत ज़रूरी था लेकिन अब यहां का कर्तव्य निभाया और मुझे अब अपने काम के प्रति कर्तव्य निभाना पड़ेगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। इसके साथ ही शुभरात्रि, शबा खैर, शहीदों को याद करते रहिए, जय हिंद, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रेम शुक्ला जी हैं। भोजपुरी के सुपर स्टार आदरणीय पवन सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। साथियों, we'll be right back।
सिंह सरकार जी 1993 में स्वागत करें और ये सारे लोग अगर पीछे हट जाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू नरेश गुप्ता जी शॉल। बाबा बाबा से विनती, बाबा बाबा मंच पर आए, बाबा बाबा खुद आइए, आप पवन सिंह जी स्वागत करेंगे। विनोद जायसवाल जी, राधे श्याम जायसवाल जी, करूंगा कि मन श्याम जी का स्वागत, राधे श्याम जायसवाल जी का स्वागत, राजकुमार जी से, राजकुमार जी हमारे जो अतिथि बैठे करते हुए जी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए भाई। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों की यही आखिर दिशा होगी। साथियों, धंधा कर रहा हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, मिलों में हो, फैक्ट्रियों में हो, जहां कहीं भी हो, दिल लगा करके अगर वो काम करता है तो वही हमारा सेनानी है। देशभक्ति किसको कहते हैं? केवल बॉर्डर पर जाकर के अपनी जान दे देना ही। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस फॉर आवर सर्विस। द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू राइज ऑन द ग्राफ of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो
तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।